140 देशों को कोरोना के समय में हमने मेडिसिन भेजा। आखिर ट्रंप साहब को भी तो फोन करना पड़ा कि मोदी जी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भेजो, नहीं तो हमारी हालत खराब हो जाएगा। भरोसा की सीमा कहां तक पहुंची है। अच्छा, हेल्थ के बारे में कभी कभी डॉक्टर्स यहां बैठे होंगे, इनके पास कई पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब दवाई लिखो, और वो दवाई दुकान में जाते हैं। अगर वो दवाई दुकान में जाके उसको 25-30 रुपया का दवाई खरीदना में हो जाता है, उसके मन में संदेह आता है डॉक्टर ठीक से दवाई लिखा कि नहीं लिखा, 100 रुपया में तो दवाई लिखा नहीं, ये ठीक होगा क्या। फिर दोबारा जाते डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब आपने दवाई ठीक से लिखा है क्या, सुई लिखा है। अच्छा, सुई लिखा नहीं, कैसे आपने दवाई ठीक करो, दिक्कत को कैसे दूर करोगे। ऐसे एक लोक धारणा बनी है, ये सब परसेप्शन पे चलता है। मैं एक अभी के उदाहरण था, उन दिनों में मेरे को पेट्रोलियम के काम में देखता था, कुवैत की राजा मर गए, कुवैत की राजा 95 इयर्स हो गए थे, मर गए, तो उनके बदले में फिर एक 91 ईयर वाले राजा बने, तो युवराज बने, क्राउन प्रिंस बने 86 ईयर वाले। तो भारत सरकार की औपचारिकता पूरा करने के लिए मेरे को भेजा गया एक शोक पत्र, पुराने राजा के देहांत, नए राजा के स्वागत, नए राजकुमार के स्वागत के लिए मैं 3 पत्र लेके प्रधानमंत्री जी का वहां पहुंचा। अच्छा, अनुमान करो कोरोना के दिनों में मास्क वगैरह सब था और राजे रजवाड़े लोग हैं, ऑयल इकोनॉमी के लोग हैं, महल है उनका, तो लेकिन उन दिनों में भी जब नया राजा बना था, नया लीडरशिप आया था, दुनिया के लोग उनको मिलने आते थे, किसी को मिलते नहीं थे उम्र के कारण, कोरोना के कारण, लेकिन भारत को उन्होंने मिला है, मेरे को अपॉइंटमेंट मिला मिलने के लिए। तो मैं सोचा कि भाई शायद ये तेल की कारोबार के कारण हमारी थोड़ा उनके ऊपर रिश्ते हैं, इसीलिए उन्होंने हमको मिलने का अवसर दिया। जब हमने मिला उनको, उन्होंने जो मेरे को 2-3 बात कहा कि मेरे एक औपचारिकता पूरी हुई, मैंने प्रधानमंत्री जी की पत्र दिया, उन्होंने पत्र लिया, उन्होंने कहा कि आपके प्रधानमंत्री जी को हमारा आभार प्रकट करिएगा कि जब हम दिक्कत में थे, यानी उन दिनों में मैं गया था शायद अक्टूबर नवंबर महीने में, तो 6-8 महीना हो गया था, मार्च टू अक्टूबर 5-6 महीना हो गया था, बोले आप धन्यवाद दीजिएगा अगर भारत उन दिनों में हमें डॉक्टर नर्स मेडिसिन नहीं भेजता तो शायद आज कुवैत जैसी स्थिति में वैसा नहीं होता। हम आपके नेतृत्व प्रधानमंत्री के पास आभार है, आभार प्रकट करते हैं, आप बताना जाके। मित्रों कभी याद करिए, 140 देशों को कोरोना के समय में हमने मेडिसिन भेजा। आखिर ट्रंप साहब को भी तो फोन करना पड़ा कि मोदी जी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भेजो, नहीं तो हमारी हालत खराब हो जाएगा। अब याद करिए, एक समय था 60 के दशक में हमारे देश में खाद्यान्न की अभाव था, हमने PL4 स्कीम पे अमेरिका से सड़ी हुई गेहूं खरीदे थे। ये मोदी है तो मुमकिन है, ये 9 साल की उपलब्धि है।